अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती की अपडेट्स के बारे में, क्या हो रहा है भर्ती प्रक्रिया में। देखिए आप लोग के काफी सवाल आ रहे हैं कि सर अभी भर्ती प्रक्रिया में क्या हो रहा है, कुछ अपडेट्स नहीं निकल के आ रही है, आप बताइए कि अब क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ठीक है, और बच्चों का क्वेश्चन यही आ रहा है कि कोई अपडेट है क्या। देखिए काफी बच्चों के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, उसी की वीडियो बनती है दोस्तों यहाँ पर। और देखिए सबसे ज्यादा आप लोग इस सवाल को लेकर काफी उत्साहित है कि कटाप की पूरी प्रक्रिया को समझा दीजिए, एक बार समझाइए ऐसे होगी भर्ती प्रक्रिया दोस्तों, सब देखेंगे और फाइनल कटाप क्या होने वाली है उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले आइए आज समझते हैं कि कटाप की पूरी प्रक्रिया क्या है। देखिए काफी बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमने बताया कि आपके 70 नंबर गुणांक चाहिए होंगे ना, तो बच्चे लोग ये सोचते हैं कि 70 अंक सुपर टेट में चाहिए। दोस्तों देखिए अगर आप सुपर टेट में सिर्फ 70 अंक लाएंगे तो आपका सिलेक्शन तो काफी मुश्किल होगा। अगर आप एक शिक्षा मित्र हैं तो और सुपर टेट में आपके 70 अंक है तो बहुत ज्यादा नंबर ले आए दोस्तों। अगर आप एक शिक्षा मित्र की दृष्टि से देखें तो उनके लिए 70 अंक इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि देखिए अब पूरी कटाव की प्रक्रिया दोस्तों आज हम इस वीडियो में खत्म करेंगे। आप लोग के काफी सवाल आते हैं, डाउट्स आते हैं, आज इस वीडियो में पूरी तरीके से वो क्लियर कराई जाएगी। देखिए होना वाला क्या है, कटाप आपको कैसे निकालना, आपको गुणांक कैसे बनना है, इसको पहले हम जानेंगे। जो बच्चे जानते हो अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं जानते वो इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए, और जो बच्चे जानते हैं वो इस वीडियो को देखेंगे और फाइनल कटाप की प्रक्रिया को समझेंगे कि हाँ आपको उतने पर सिलेक्शन मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे देखिए कि अगर आपके हाई स्कूल में कितने अंक है, देखिए 10th क्लास में आपके कितने नंबर है, पहले आप ये लोग समझिए, आप लोग काफी डाउट्स में रहते हैं। अगर आपके मानते हैं हमने हाई स्कूल में आ रहे हैं आपके 70% अंक, 70% है आपके हाई स्कूल में, ठीक है 10वीं में, तो उसको 10 से भाग करेंगे तो आएगा 7। क्या करेंगे दोस्तों उसको 70 को क्या करने वाले दोस्तों, हम लोग 10 से भाग करेंगे तो आ गया हमारा 7 अंक आ गया ये। और हम मानते हैं दोस्तों आपके 12वीं में 12th क्लास में आपके 60% नंबर है, ठीक है, तो इसको भी 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 अंक। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि आपने ग्रेजुएशन में कितने अंक लाए, ग्रेजुएशन में दोस्तों हमने माना वहां आपने 60% वहां भी ले आए नंबर, तो दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी 10 से भाग करेंगे तो 6 अंक आ गया। अगर मान लेते दोस्तों यहाँ पर आपके 65 अंक आ रहे होते परसेंट, तो 65 में 10 से भाग करते तो 6.5 आ जाता, क्या आता 6.5। यहाँ देख लीजिए बगल में आप लोग, अगर 65 को हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6.5 आएगा। देखिए आप इस YouTube चैनल के माध्यम से सब कुछ समझिए अच्छे से, काफी बच्चों के हमारे पास सवाल आया था लाइव स्ट्रीम में कि सर हमारे 65 है तो क्या करें, तो आप लोग इसको समझिए यहाँ पर। अब हम मानते हैं आपके BTC या B.ED, आपने अगर BTC कर रखी है या B.ED कर रखा है, तो हमने माना दोस्तों वहाँ पर भी आपके कितने अंक आ रहे हैं, 60% अंक आ रहे हैं, तो 60% का कितने अंक लेंगे दोस्तों, 10 से भाग करेंगे तो 6 अंक। तो अब ये हमने देख लिया एकेडमिक आपकी पूरी तैयार होगी, 7 नंबर यहाँ, 6 यहाँ और 6 यहाँ, तीनों जोड़ लेते हैं 7 6 13 होता है दोस्तों, 7 और 6 13 13 6 19 और 19 6 दोस्तों हमारा वो 25, तो हमारे आपका एकेडमिक बनके तैयार हो गया 25 अंक, ठीक है। अब इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा कि आपकी एकेडमिक आ रही है 25 अंक। अगर आप एक शिक्षा मित्र हैं तो चलिए उसको हम बाद में बताएंगे, डिफाइन करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों बात आती है सुपर टेट, उसमें आपको कैसे अंक लाना है, कैसे क्या निकालना है, इसको देखें। सबसे पहले मानते दोस्तों आपने एक शिक्षा मित्र देख लेंगे, एक शिक्षा मित्र SMC शिक्षा मित्र, और दूसरा पक्ष होगा हमारा BTC और BED का, ठीक है। अगर मानते शिक्षा मित्र ने सुपर टेट के पेपर जो हुआ था शिक्षक भर्ती का, उसमें उन्होंने 70 अंक लाए और आपने दोस्तों 100 अंक लाए, दोस्तों देखिए हम कंपेयर करेंगे 100 और 70 के बच्चों का, तो सिलेक्शन कैसे होगा वो जानेंगे। इन्होंने 70 अंक लाया तो 70 अंक का पहले हमको 60% निकालना होगा, जो आप कटाप है 40 और 45, उसके हिसाब से 70 अंक पास है दोस्तों, इसलिए हमने 70 अंक लिया है, तो 100 का भी 60% निकाल लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 15 कम 15 15 चौक 60, 10 × 4 होता दोस्तों 40। तो हमारे जिन बच्चों ने BTC और BED किया था उनके यहाँ 40 अंक बन रहे हैं, और शिक्षा मित्रों का भी देखते हैं 15 1 0 1 0 कट गया, 15 कम 15 15 चौक 60, तो यहाँ उनके बनते हैं 28 अंक, ठीक है। तो ये हमने देखा शिक्षा मित्र और BTC और BED, तो इतना बड़ा गैप दोस्तों आपको दिख रहा है, इनका 28 अंक बन रहा है और इनका बन रहा है 40 अंक। अब क्या करना है देखिए, एकेडमिक मान लेते दोनों के एकेडमिक सेम है, तो मान लेते BED के बच्चों ने एकेडमिक 25 अंक लाया, तो ये दोस्तों ने यहाँ पर निकाला था ना, इसको जोड़ के दोस्तों ये 25 अंक, तो यहाँ एकेडमिक 25 अंक जोड़ देंगे,
और यहाँ पर भी 25 अंक हम जोड़ेंगे एकेडमिक, दोनों को जोड़ कर लेते कितना आएगा, 8 5 13, 2 2 4 1 5, 53 अंक आया दोस्तों इनका, इनका कितना आता है दोस्तों 5 4 2 6, इनका दोस्तों 65 अंक आ रहा है। तो आपको लग रहा होगा यार बीटी से और बीएड वालों को तो नौकरी मिल जाएगी क्योंकि बहुत आगे शिक्षा मित्रों से, जी नहीं दोस्तों, अब असली मामला शुरू होगा। अब इनको मिलेगा 25 अंक का बड़ा भारा अंक, तो 25 अंक और जोड़ेंगे, 3 2 कितना होता है दोस्तों 5 और 3 8, 5 2 7, अब ये पहुंच गए 78 पर, आप अब भी हैं 65 पर। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा 78 और 65, ये क्या माजरा है दोस्तों, आप इतनी बड़ी इनके पास ताकत है 78 अंक और आपके सिर्फ 65, तो आप लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो यही थी कि अगर 40-45 में भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी तो ऐसे ही आपको नुकसान होगा, एक 70 अंक का बच्चा आपसे कहीं आगे निकल जाएगा और आप लोग 100 अंक लेके बैठे रहेंगे, ये सब मैं आपको दिखा दिया दोस्तों। इसलिए मैं कम से कम अंक पर लिया शिक्षा मित्रों के कि अब क्या होगा, जो बच्चे अभी तक कन्फ्यूजन में थे आप आई थिंक उम्मीद करेंगे कि उनकी थोड़ी सी समस्या दूर हो गई होगी। फिर बात इस बात पर आती दोस्तों कि अगर आपकी कट ऑफ 60-65 होती है फिर क्या होगा। देखिए 60-65 होने पर अधिकांश शिक्षा मित्र फेल हो जाएंगे, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उससे आपको फायदा हो रहा था। लेकिन देखिए दोस्तों अगर एक बीच का भी रास्ता निकल के आता है तो भी कोई नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन अगर 40-45 कट ऑफ रही तो दोस्तों आप लोग को ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा, आप लोग 100 अंक ला के पीछे हो जाएंगे और एक शिक्षा मित्र 70 अंक ला के वो नौकरी आपकी ले जाएंगे। तो देखिए किसी के साथ तो गलत नहीं होने वाला है क्योंकि अभी आप डबल बेंच जाने वाले हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो दोस्तों अगर आप बात करें कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या होगी, देखिए ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी। आज की डेट में दोस्तों देखा जाए तो आपकी फाइनल कट ऑफ जो निकल के आ रही है वो 40 और 45 है, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों क्या होगा ये बड़ा प्रश्न है। क्या अगर इस कट ऑफ पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जा सकती है, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, जो बच्चे अच्छे नंबर ला रहे होंगे 120 130 140, तो वो चाहते होंगे जल्द से जल्द नौकरी मिले, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों कि कट ऑफ 40-45 रहे या 60-65। लेकिन जिन बच्चों के 100 110 110 नंबर लाने वाले दोस्तों आज की डेट में सेफ नहीं है ना भरोसा, तो प्रैक्टिकल देख लीजिए आप लोग। हमने यहाँ पर निकाला था दोस्तों कितने अंक पर, 60 अंक पर निकाला था, अगर हम यहाँ 110 पर निकाल लेते हैं आपके लिए निकाल लेते हैं, 110 का 60% निकाले कितना होगा 11, 10 गया 15 कम 15 चौके 60 11 चौके 44, दोस्तों इनके 44 अंक बने। तो यहाँ पर हमने क्या था 4 अंक और जोड़ लेते 65 6, कितना 4 और जोड़ेंगे दोस्तों आएगा 69 अंक, 69 होंगे, तब भी दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि शिक्षा मित्रों के 78 अंक है तो वो आपसे कहीं आगे, ठीक है, तब भी आपके पास अभी 9 अंक का डिफरेंस आ रहा है, 9 नंबर आप कहाँ से लाएंगे, ये एकेडमी बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, ये 9 नंबर छोटे मोटे नंबर नहीं है। तो अगर आपके 110 नंबर शिक्षा मित्रों के सिर्फ 70 अंक है तो भी वो काफी आगे हैं, और एक बात भरोसा नहीं तो एक बार जरा 120 से भी ले लेते हैं। अगर दोस्तों अगर आपके सुपर टेट में 120 नंबर है तो 12 चौके 48 होगा, 4 नंबर और जुड़ेगा तो आप पहुंचेंगे 4 नंबर जोड़ के 69 में 73, ठीक है दोस्तों। अगर आपके 130 नंबर है, चलिए एक और आगे ले जाते हैं, 130 अंक है तो दोस्तों 13 चौके 52 होगा, तो 4 अंक और जाएंगे तो आप लोग पहुंचेंगे दोस्तों 77। अगर अब आपके 130 से अधिक नंबर है तो शिक्षा मित्रों को आप फाइट दे पाएंगे, नहीं तो जो बच्चे 70 अंक लाए और शिक्षा मित्रों के, मतलब जो बच्चे 130 अंक लाए और शिक्षा मित्र 70 अंक लाए तो इस समय ये बड़ा है, आपका 130 अंक छोटा है। तो दोस्तों आपको हमने इस वीडियो में प्रूव किया कि 70 अंक वाले नौकरी पाएंगे शिक्षा मित्र भाई बहन, और हमारे 130 नंबर के भाई बहन नौकरी से वंचित रह जाएंगे। लेकिन आगे आने वाले समय में दोस्तों डबल बेंच में क्या होगा अभी किसी को ये कुछ पता नहीं है, फैसला हो सकता है आपके हक में आए, इस बार आपके वकील अच्छे हुए हैं, उन्होंने अच्छा केस लड़ा तो आप जरूर जीतेंगे दोस्तों, नहीं तो काफ़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका कट ऑफ निकालने का प्रक्रम, कि आप लोग काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे सर कट ऑफ कैसे निकालते हैं, एक बार क्लियर करके बताइए वीडियो के दौरान। तो दोस्तों हमने इस स्पेशल वीडियो सिर्फ आपके लिए बताया, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिन्हें भी अपना कट ऑफ निकालना नहीं आ रहा, अपने गुणांक कैसे उनको बनाना है तो उन तक दोस्तों ये वीडियो जरूर से जरूर आपको पहुँचाना है। कोशिश करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्कूल कॉलेजेस के ग्रुप में भेज दीजिएगा, जिससे कि वो बच्चे आसानी से समझ सकें, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो दोस्तों। लेकिन अब बात रही यहाँ पर आप कितने अंक पर सेफ हैं, देखिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या जनरल कैटेगरी से आते हैं या एससी और एसटी, 4 कैटेगरी होती है टोटल फिलहाल आज की डेट में आपके पास है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं दोस्तों तो आप लोग अपना सेफ अंक पॉइंट 70 अंक समझ सकते हैं, 70 से अधिक होने वाला दोस्तों 70 से कम में काफ़ी मुश्किल होगा जनरल के बच्चों के लिए। ओबीसी वर्ग जो रहने वाला है दोस्तों वो भी 70 60 से 70 के बीच में रहेगा,
आप कहेंगे 60 अंक का होगा क्या? बिल्कुल दोस्तों, होने की उम्मीद काफ़ी कम है, लेकिन 60 से 70 अंक ओबीसी के लिए माना जा सकता है और आपके एससी कैटेगरी के बच्चे भी 60 से 70 के बीच आते हैं। दोस्तों आप तो सोच रहे होंगे हमने तो पहले आपको 70 बताया था। देखिए दोस्तों, ये आपके लक पर डिपेंड करेगा, लेकिन जनरल में बच्चे की फाइट बहुत जबरदस्त होगी, तो वो 70 से कम में तो सोच ही नहीं सकते आज की डेट में। एसटी कैटेगरी दोस्तों ये 50 से 70 के बीच में है, इनकी संख्या कम होती तो दोस्तों एसटी में बच्चों की नौकरी पाने की उम्मीद सबसे ज्यादा होगी। और भी अपडेट्स दोस्तों लाते रहेंगे वीडियो के दौरान, और भी जो ताजा अपडेट्स आएंगे शिक्षक भर्ती से संबंधित वो आपको मिलेंगी। अभी फिलहाल तक की कोई अपडेट्स नहीं आ रही है ऑफिशियल तौर पर अभी, और भी आगे डबल बेंच में क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ आप लोग इस यूट्यूब चैनल से सीखेंगे। तो तब तक फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए और हैव अ नाइस डे।